हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच वानखेड़े में ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा। और दोस्तों, भारतीय टीम पहले बैटिंग कर रही। दोस्तों, भारतीय टीम की शुरुआत बहुत अच्छी, रोहित शर्मा ने काफी अच्छी और काफी तेज पारी खेली और वह 47 रन बनाकर टीम सऊदी का शिकार हो गए। उसके बाद विराट कोहली क्रीज पर आए और सुमन गिल के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, 50 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिसमें सुमन गिल की हाफ सेंचुरी कंप्लीट हुई। दोस्तों, सुमन गिल काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने 42 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की, जिसके बाद वहां पर मुकेश अंबानी आए थे मैच देखने, उनका रिएक्शन देखने लायक था। रणबीर कपूर भी मैच देखने आए थे, उनका रिएक्शन भी देखने लायक था। सारे लोग काफी खुश थे और इंडियन के सारे फैंस काफी खुश थे और विराट कोहली भी काफी खुश थे। जब सुमन गिल ने इस बार अपनी वर्ल्ड कप में 40-50 लगाई, वो भी सेमीफाइनल में, वो भी इम्पोर्टेंट मुकाबले में। दोस्तों, काफी अच्छा लगा सुमन गिल की बैटिंग को देखकर और सारा तेंदुलकर का रिएक्शन भी देखने लायक था। तो फ्रेंड्स, क्या चाहते हैं आप, आज आप विराट कोहली आज सेंचुरी बनाएंगे या नहीं, कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं भारतीय टीम ओडीआई वर्ल्ड कप जीते, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।